हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रीम रूल्स के बारे में भी न्यूज निकल कर आ रही है। बात करेंगे सर्वाइवर सीरीज को वर्ड गेम के साथ जोड़ दिया गया है, उसकी न्यूज निकल कर आ रही है और न्यूज आ रही है व्हाइट रैबिट के बारे में, ये क्या है उसके बारे में करेंगे हम बात। फर्स्ट बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। ट्रिपल एच ने बताया है कि WWE में पहले के जैसे खून खराबे वाले मैच होते थे वैसे अभी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे बिजनेस में इतना रिस्क तो है कि और भी हम अपने रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि ज्यादा खून खराबे वाले मैच में रिस्क ज्यादा होता है और टेलीविजन पे हम ऐसा चाहते हैं कि कम से कम ब्लड और ये सब दिखाया जाए। उन्होंने बताया है कि पहले हाँ हमारे टीवी में या प्रोडक्ट के अंदर खून खराबे दिखाए जाते थे, पर अब सिचुएशन अलग है और इसलिए चाहते हैं कि वो कम से कम हमें ब्लड और टीवी पे दिखाई देना चाहिए। वो बात करते हैं एटीट्यूड एरा की, जब वहाँ ऐसे खून खराबे वाले मैच ज्यादा हुआ करते थे। ट्रिपल एच से कहना यह है कि अब वो कम से कम ब्लड वाले मैचेस और खून खराब वाले मैचेस, हार्डकोर मैचेस हमें बहुत कम देखने को मिलेंगे। हमें एक अच्छे रेसलिंग टाइप मैचेस देखने को ज्यादा मिलेंगे। आपको तो याद ही होगा जैसे जॉन मॉक्सली कितने हार्डकोर मैचेस देते हैं और उनके हर AEW मैच के आसपास उन्हें खून और ब्लड तो निकलता ही है। ट्रिपल एच ने ये स्टेटमेंट दी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बात करते हैं सेकंड न्यूज के बारे में। तो सेकंड न्यूज निकल कर आ रही है एक्सट्रीम रूल्स के बारे में। पहले एक्सट्रीम रूल्स का पोस्टर बाहर निकल के आया था, अभी एक और नया पोस्टर निकल के चुका है जिसमें हमें रोंडा राउजी, मैट रिडल, बेली, सेथ रोलेंस, बियांका ब्लेयर और एज देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर सबसे शॉकिंग नेम एज का है, क्योंकि एज तो इंजर्ड है ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बताया है। तो क्या एज अब एक्सट्रीम रूल्स से पहले आते हैं एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, देखने जैसा होगा, क्योंकि उन्हें एक्सट्रीम रूल्स के लिए एडवर्टाइज भी किया जा रहा है। और सेथ रोलेंस और मैट रिडल का जो फाइट पिट मैच होने वाला है वो तो एकदम ऑसम होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज के बारे में। सर्वाइवर सीरीज का नाम बदलकर अब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम रख दिया गया है। ट्रिपल एच ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है इसमें, क्योंकि अभी कुछ सालों से सर्वाइवर सीरीज को देखने में वो इंटरेस्ट और मजा नहीं रह गया था, क्योंकि रो वर्सेस स्मैकडाउन अभी ज्यादा देखने को मिल रहा था। ट्रिपल एच ने ये भी कंफर्म किया है कि अब सर्वाइवर सीरीज में रो वर्सेस स्मैकडाउन नहीं होंगे। उन्होंने बताया है कि न्यूज ने कि दो वॉर गेम्स मैच होंगे सर्वाइवर सीरीज के अंदर, एक मेंस एक वुमेन्स। देखते हैं सर्वाइवर सीरीज जो वॉर गेम्स का नाम दिया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें देखने को लग रहा है, और वॉर गेम्स के मैचेस जो है नेक्स्ट में जिस प्रकार के होते हैं वैसे मैचेस हमें मेन रोस्टर में और सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिले, तो और क्या चाहिए दोस्तों हमें। जिस प्रकार के अगर आप सोचिए खाली वॉर गेम्स के अंदर रोमन रेंस, ड्रू मैकइंटायर, सेथ रॉलिंस जैसे सुपरस्टार अगर वॉर गेम्स के अंदर हमें देखने को मिले तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के मैचेस डिलीवर होंगे दोस्तों। तो आप क्या वॉर गेम्स सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बात हो रही है सर्वाइवर सीरीज की, तो एक यूनिक न्यूज बता रहे सर्वाइवर सीरीज के टिकट सेलिंग को लेकर। टोटल 12,955 सीटें अवेलेबल की गई थी सर्वाइवर सीरीज के लिए, और जब से सर्वाइवर सीरीज का नाम वॉर गेम्स रख दिया है टिकट 12,733 बिक चुकी है और सिर्फ 222 टिकट अभी अवेलेबल दिखा रही है। तो आप एक्साइटेड है सर्वाइवर सीरीज के लिए हमें जरूर बताएं। बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में। नेक्स्ट मैच निकल कर आ रही है, कल की मंडे नाइट रो में हमने देखा था कि एज स्टाइल और फिन बैलर बैक स्टेज हमें एक साथ देखने को मिले थे। न्यूज ये निकल कर आ रही है फ्यूचर अभी हमें एज स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर का एक ड्रीम फ्यूड देखने को मिल सकता है, और ये लॉन्ग टर्म फ्यूड देखने को मिलेगा जिसे हमें मल्टीपल मैचेस में एज स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर के देखने को मिलेंगे, इसलिए बैक स्टेज में इन्हें इस तरह दिखाया गया था। देखते हैं फिन बैलर वर्सेस एज स्टाइल्स का मैच शुरुआत कब होती है और उनकी फ्यूड की शुरुआत कैसे होती है। बात की जाए नेक्स्ट व्हाइट रैबिट के बारे में। WWE अभी एक दो मंडे नाइट रो और स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें कुछ रेड कलर की लाइट दिखा रही है और जो बाद में जाके कुछ ब्लू या पर्पल जैसी हो जा रही है, तो वो रेड लाइट न्यूज का मानना यह है कि ब्रे व्हाइट के बारे में दिखाया गया। तो इस मंडे नाइट रो में हमें एक QR कोड बताया गया, वो QR कोड कुछ ऐसा था कि वो रैबिट जाके डीमन टेक्स्ट पे जाके रुकता है। तो न्यूज का मानना यह है कि ये डीमन फिंड के बारे में बताया जा रहा है और फिंड ब्रे व्हाइट हमें जल्द से जल्द रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। देखते हैं कब तक फिंड ब्रे व्हाइट रिटर्न करते हुए आते हैं। और न्यूज ये भी आई है कि जब भी फिंड ब्रे व्हाइट हमें रिटर्न करेंगे वो एलेक्सा ब्लिस के साथ उनका रिटर्न वापस शेयर किया दिखाई दिया जा सकता है, जैसे हमें पहले फर्स्ट रैंडी ऑर्टन वर्सेस फिंड के मैच में दिखाया गया था उसके पहले के फ्लूड के अंदर। आपको याद ही होगा कि एलेक्सा ब्लिस फिंड के साथ ही हमें दिखाई दे रहे थे दोस्तों। देखते हैं व्हाइट रैबिट क्या लास्ट में फिंड के रूप में दिखाई देते हैं, और आप एलेक्सा ब्लिस और फिंड को आपस के साथ देखना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी रेस्लिंग रिलेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।